नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एन स्पोर्ट्स HD पर। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम का जो है तो 30-20 मैच था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 21 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहली कारण तो ये है कि आज टीम इंडिया जो है तो कहना चाहिए फील्ड भी मिस किया है, और फिर इसके बाद में बैटिंग भी कहना चाहिए कि उतनी अच्छी खास नहीं रही थी जितना उम्मीद था। खासकर पहले ही भारतीय टीम को जो है तो झटका लगे, पहली शुरुआती 5 ओवरों में जो है तो भारतीय टीम को झटका लग चुका था, जिस वजह से अच्छे से जो है तो टारगेट को सेट नहीं कर पाया, जिसके वजह से अपने लक्ष्य को कहना चाहिए जो रिक्वायर्ड रन रेट थी वो बढ़ती चली गई और टीम इंडिया की जो बैटिंग धीमी हो गई। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में बैटिंग करते हुए 172 रन बना दिए थे, जो कि एक अच्छा टोटल था 8 विकेट के नुकसान पर। बात करते हैं उनकी बल्लेबाजी की, तो सबसे पहले जो बैटिंग करने आए थे हैली, जो आए थे विकेट कीपर हैं, और मोनी, उन्होंने जो है तो अच्छा शुरुआत तो नहीं दे पाया ऑस्ट्रेलिया को। पहले जो है तो हैली जो है तो LBW हो गई, उनको रेणुका सिंह ने जो है तो आउट किया, उन्होंने सिर्फ 1 रन बना के चलते बने। और फिर कहना चाहिए मोनी थोड़ी सी अच्छी टेम्परामेंट दिखाई, उन्होंने अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ में जो है तो बैटिंग किया, 30 रन बनाए उन्होंने 22 बॉलों में। ताहलिया MC ग्रेथ जो है तो उन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं किया, उन्होंने 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिर इसके बाद आती हैं जो एलिस पेरी, उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया, उन्होंने केवल 47 बॉल में 75 रन ठोक दिया। यही कारण है ऑस्ट्रेलिया की जीत का एक नींव जो है तो वो रख के चली गई, केवल 47 बॉल में 75 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 9 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए, 160 की स्ट्राइक रेट से जो है तो उन्होंने बैटिंग किया। फिर इसके बाद आप देख लीजिए, चाहे कोई अच्छे बैटिंग करे या ना करे, इससे जो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहना चाहिए कि आए गार्डनर, उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की, 10 बॉल में 7 रन बनाए। लेकिन फिर इसके बाद आते हैं ग्रेस हैरिस, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग किया, उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से, 225 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 41 रन बनाए, सिर्फ 18 बॉल में उन्होंने 41 रन बनाए। आप सोच सकते हो कितना तेज बैटिंग यहां पे करके चली गई, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम जो है तो एक अच्छी टोटल कहना चाहिए सेट करने में जो है तो असफल हुआ। और यहाँ पर आते हैं सुथरलैंड जो आते हैं, उन्होंने 1 रन बनाया। फिर निकोला कैरी आते हैं, निकोला कैरी ने 6 रन बनाए, और एलाना किंग आती हैं, उन्होंने 7 रन बनाए, और इस्कट जो आती हैं, उन्होंने 1 रन बनाया। इस प्रकार से कहना चाहिए कि टीम ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस रहा है, बैटिंग रहा है, जो कि कहना चाहिए अच्छा था। 2-3 बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसके वजह से 172 रन का टोटल सेट कर पाया। बात करते हैं बॉलिंग की, तो इंडिया टीम की बॉलिंग उतना खास नहीं रहा था। आप देखेंगे रेणुका सिंह ने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की, उनका छक्का इकोनॉमी है, 4 ओवर में 24 रन दिए, 2 विकेट लिया। और फिर अंजलि सरवानी जो है तो उन्होंने 8.5 के इकोनॉमी से बॉलिंग किया, चलो इनका भी T20 का एक के हिसाब से ठीक ही था, 4 ओवर में 34 रन दिए, लेकिन 2 विकेट भी इन्होंने हासिल किया। यहाँ पे गायकवाड़ जो है तो उन्होंने 3 ओवर बॉलिंग किया, इसके बाद उन्होंने 34 रन दिए 3 ओवर में, मतलब कि 11.3 का जो है तो इनको इकोनॉमी था, विकेट भी उन्होंने नहीं लिया। दीप्ति शर्मा की बात करें तो इन्होंने 4 ओवर में 40 रन दे डाले, जो कि बहुत अधिक है, 2 विकेट भी हालांकि इन्होंने प्राप्त किया। देविका वैद्य जो है तो इन्होंने भी 7.3 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है, ये भी जो है तो एक महंगे साबित हुए। राधा यादव ये करीब करीब 9 के इकोनॉमी से बॉलिंग करते हैं, 2 ओवर में 18 रन लुटा देते हैं। तो इस तरीके से यदि आप खेलेंगे तो किस तरीके से पार लगेगा। बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में भी उतना कमाल नहीं कर पाए। पहले तो स्मृति मंधाना आती हैं, जो कि पहले कैप्टन भी रह चुकी हैं, अब तो खैर वो नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी जो है तो कहना चाहिए बैटिंग नहीं करी, 1 रन बना के वो भी बहुत ज़्यादा रन जो है तो खा लेती हैं, बहुत ज़्यादा बॉल खा लेती हैं, रन एक ही बनाती हैं। बात करें शेफाली वर्मा की तो उन्होंने थोड़ा सा अच्छा खेला और 41 बॉल में 52 रन बनाए 126 के स्ट्राइक रेट से। इस दौरान उन्होंने 4 चौके लगाए और 3 छक्के भी लगाए हैं। फिर बात करें हैं रौद्री ने 11 बॉल में 16 रन बनाए और 145 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके लगाए उन्होंने, जो कि अच्छी
बैटिंग नहीं थी। यहाँ पे बात करेंगे हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन है, उन्होंने थोड़ी बहुत ठीक ठाक बैटिंग किया, लेकिन एक कैप्टन के लिए ये ठीक ठाक नहीं हो सकता। 27 बॉलों में उन्होंने 37 रन बनाए, शायद ये यदि 27 बॉल में कम से कम 47 रन बनाते तो बहुत अच्छा होता कि अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते। 6-4 चौके इन्होंने बनाए। देविका वैद्या जो है तो 4 बॉल खेल के 1 रन बनाते हैं। ऋचा घोष जो है तो 1 रन बनाते हैं। दीप्ति शर्मा 25 रन बनाया 17 बॉल खेल कर 147 के स्ट्राइक रेट से। राधा यादव 7 बॉल खेल के 4 रन। तो कहना चाहिए कि सभी का जो है तो बॉल ज़्यादा खेले हैं और रन बहुत कम बनाए हैं। अंजलि शर्वानी जो है तो केवल 2 रन बना के आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से बहुत ही धीमी बैटिंग करी है इंडियन टीम के बैटर्स ने, जितने भी रहे हैं तो उतना कंट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं कर पाए हैं। लो स्ट्राइक रेट के वजह से टीम इंडिया कहना चाहिए कि हारी है और विकेट भी गिरते गए हैं। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉलिंग की, तो बॉलिंग में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आप देखेंगे जहाँ पे हमारे इंडियन टीम के कोई भी बॉलर जो है तो 6 से नीचे की इकोनॉमी नहीं था, यहाँ पे आप देखेंगे कि बैरसी ब्राउन जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने 4 ओवर में उन्होंने केवल 19 रन दिया है और 2 विकेट भी झटका है। 4.8 की स्ट्राइक रेट से इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग किया है। यहाँ पे मेगन स्कट की बात करें तो 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए हैं और उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया है 5.8 की इकोनॉमी से। फिर अनाबेल शथरलैंड ने की बात करें तो 1 ओवर में हालांकि वो महंगा साबित हुए और यहाँ पे उनसे ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करवाना जो है तो बंद कर दिया। एलाना किंग जो है तो 3 ओवर में 27 रन दिए 9 की इकोनॉमी से और निकोला कैरी जो है तो 4 ओवर में 44 रन दिए, यहाँ पे हालांकि वो महंगा साबित हुई है, 1 विकेट भी यहाँ पे उन्होंने हासिल किया है। बात करते हैं कि एशेली गार्डनर की, तो वो 3 ओवर में 21 रन दिए 2 विकेट भी हासिल करते हैं, 7 की इकोनॉमी से बॉलिंग करते हैं। एलिस पेरी भी जो कि बहुत अच्छा कहना चाहिए बैटर हैं, उन्होंने 1 ओवर में केवल 2 रन दिए, तो कितने अच्छे तरीके से बॉलिंग किया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, खासकर ये जो है तो जीत का कारण बना है ऑस्ट्रेलिया टीम। ऑस्ट्रेलिया जो है तो यहाँ पर सीरीज जीत चुका है और भारतीय टीम एक प्रकार से जो है तो निराशा किया है यहाँ पे। दोस्तों आप यदि ऐसे क्रिकेट से जुड़ी खबरें देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।